नमस्कार अर्गस अपडेट सह मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस सीआरपी जोतिया हत्या मामला दुई भाई को गिरफ्त कला नयापल्ली थाना पुलिस सेपटे पीसीआर भंगा घटना रे पांच गिरफ्त सूचना देले डीसीपी उमा शंकर दास विश्वटे कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव खेल घटना स्पष्टोक्ति रखिला किट जोगाणकारी कंपनी कहला दुईट ब्याच और आंटीजेन किट्रे रही त्रुटि गतमास विश्वटे 40 कोरोना पॉजिटिव सामना को आसते सरगरम होबारे लागिछि पश्चिमबंग निर्वाचन आज पश्चिमबंग गस्त करिबे प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड में विशाल रैली रो आयोजन सेपटे केरल गस्त करुछन्ति अमित शाह आज बीजेपी राज्य कार्यकारिणी बैठक पिपिली उपनिर्वाचन ठारु पंचायत निर्वाचन पर्यंत हेबो मानस मंथन जोगदेवे दलर वरिष्ठ नेता विभिन्न प्रसंग नहीं लोकों पाखरे पहुंचिबो दल फेल मारुछि बाइक आंबुलांस योजना खटियारे बुआले रोगी रास्ता खराब जोगु डेढ़ किलोमीटर रोगी को बोहिले आंबुलांस कर्मचारी बौद्ध बीजामारी ग्रामरु आसिला विकासर नग्न चित्र एवं श्रीमंदिर पाई अर्थ संग्रह नहीं धर्मेन्द्र प्रधान चिठीर प्रत्युत्तर देले गजपति महाराज परामर्श और सहयोग प्रतिश्रुति जणाइले कृतज्ञता कहले आम पुरातन ऐतिह्य यथासंभव पदक्षेप भुवनेश्वर सीआरपी जतिया हत्या घटना घटनारे दुई भाई को गिरफ्त कला नयापल्ली थाना पुलिस अन्यपटे घटनास्थल में पीसीआर भंगा और अभियुक्त को माड़ मार घटन पांच जन को गिरफ्त कर पुलिस एने सूचना देखते भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास गतकालीर हत्या घटनारे हत्या घटना को छाड़ी अन्य दुईट मामला रुजु होता सूचना अनुसार गतकाली दिन दीपर में टुकुना साहू उर्फ जट को आक्रमण खंडा भली धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करी हत्या करथिले सुधीर और सागर तेबे लोकों माड़ रे गुरुतर अभियुक्त को पुलिस उद्धार करी गुरुतर अवस्था रे हॉस्पिटल रे भर्ती करथवा बेले स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार परे हत्याकारी को हाथ रे हाथ कोड़ी पिंधाई पुलिस सेबे अभियुक्त को आक्रमण घटना रे सीसीटीवी फुटेज आधार रे पुलिस पांच जन को अटक रखिथिबा जणा पड़िछे गतकाली पुलिस उपस्थित रे जोंबळी हत्याकारी को आक्रमण कले स्थानीय जनता याकु नै पुलिस छानबीन आरंभ करिछे आईन को हाथ को नेबा सह अभियुक्त को माड़ और उद्धार करने को जाइथिबा पीसीआर भ्यान उपरक आक्रमण रे संपृक्त व्यक्ति विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो बोली आगरु सूचना देथिले भुवनेश्वर डीसीपी विश्व छात्रों कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव खेल घटना किट जोगाणकारी कंपनी नुआ दिल्लीर ओस्कार मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड पक्षर् स्पष्टोक्ति रखाई दुईट ब्याच आंटीजेन किट्रे त्रुटि रही कहला कंपानी गतमास एकाथर 40 कोरोना पॉजिटिव विश्वट्रु आसवाप राज्य में घटना चहल पकड़ा परे राज्य स्वास्थ्य सचिव प्रदीप महापात्र किट गुड़ त्रुटि जो भूल रिपोर्ट बाहरी से कहते आज पश्चिमबंगर ब्रिगेड ग्राउंड में राली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राली रे पाखापाखि 10 लाख लोकों समागम होवार संभावना रही है यह मेगा राली रे बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती और बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली जोगदेवे चर्चा जोर धरी मिथुन चक्रवर्ती संक्रांत में बीजेपी जातीय साधारण सचिव कैलाश विजयवर्ग्य कहते मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ जदि आसवे से आम स्वागत करूँ जदि से बीजेपी में जोग दिंती तेज यह उभय दल और राज्य पर भल हो मोदी राली पाई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाए छे नंदीग्राम में मुआमु हेबे ममता बनर्जी शुभेन्दु अधिकारी पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन बीजेपी प्रार्थी ना घोषणा करजेपी प्रथम और द्वितीय पर्यायर निजर प्रार्थी ना घोषणा कर सारी 57 आसन प्रार्थी घोषणा करजेपी नंदीग्राम पर शुभेन्दु अधिकारी बीजेपी प्रार्थी कर पूर्व पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम निर्वाचन लड़ा नहीं घोषणा करते बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पश्चिमबंग दल प्रार्थी ना घोषणा करपूर्व शुक्रवार तृणमूल कांग्रेस 291 आसन प्रार्थी ना घोषणा कर पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर राजनैतिक पारा चढ़ी चलता बेले देशर अन्य चारोटी राज्य में विधानसभा निर्वाचन माहौल बे सरगरम होबारे लगी
केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आज निर्वाचन प्रचार पर तमिलनाडु और केरल गस्त करुछन्ते। अमित शाह निजर आज अभियान कन्याकुमारी आरंभ करिबे। एथिपाई से कन्याकुमारी से एक निर्वाचन रैली को संबोधित करिबे। परे निजर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क करिबे। सुचिंद्रम टाउन रे किछ समय रहबा परे प्राय 11टा रे एक रोड शो करिबे। सेपरि अपराह्न रे कन्याकुमारी रे एक होटल रे कर्मकर्ता को परामर्श देबे। या परे शाह केरल अभिमुखे बाहरिबे। केरल रे त्रिवेंद्रपुरम रे श्री रामकृष्ण मठ जिबे अमित शाह। या परे संध्या 6टा रे पार्टी रो केरल विजय यात्रा रे अंशग्रहण करिबे। से आज बसिबो राज्य बीजेपी कार्यकारिणी बैठक। भुवनेश्वर होता बैठक में आगामी दिन पर प्रस्तुत हो दर रोडमैप। आगक पौर और पंचायत एवं पिपिलीर उपनिर्वाचन रही तेणु दलय संगठन किभली मजबूत करहब से नहीं बैठक में विशेष भाव आलोचना हो। राज्य में आईन श्रृंखला व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ी। केन्द्र सरकार को योजना को राज्य निज योजना करी लोकों को भ्रमित कराउछे। लोकों पाखरे किपरी सठिक सूचना पहुंचा जाई पारिबो से नै बैठक में आलोचना हेबो। एने बैठक में विस्तृत भाव आलोचना हो पारे। राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी, सहप्रभारी विजयपाल सिंह, दुई केन्द्रमंत्री, सभापति, उपसभापति, साधारण संपादक, संपादक, सांसद, विधायकों समेत दलर अन्य तुंग नेता माने जोग देबार कार्यक्रम रहिछे। अधिक सूचना पाई प्रदीप्त महापात्र आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ प्रदीप्त, आज जो बीजेपी राज्य कार्यकारिणी बैठक बसिब, बैठक केते गुरुत्व बहन करुछे? निश्चित भाव में निवेदिता आप जो कथा कहले आ कि समय पर राज्य बीजेपी कार्यकारिणी बैठक आरंभ हो। विशेष भाव में आगामी दिन में दल सब कार्य रोक के प्रसंग को लेकिन मुदा करहब ता सहित विशेष भाव में दलर संगठन को किपर भाव मजबूत कर आलोचना हे। एपाई राज्य प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी उपस्थित रोचे सहित सहप्रभारी रोचान केन्द्रमंत्री रोचान दलर सभापति उपसभापति साधारण संपादक आप जमी कहे से रोचान विशेष भाव में किपर भाव बर्तमान राज्यर स्थिति जहाँ रही राज्य आईन श्रृंखला विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति सीमा बद लगी रही आम देखिपे कोटिया ठार आरंभ कर गंजाम विभिन्न अंचल एवं ता सहित विशेष भाव में आग को जेहेतु पंचायत निर्वाचन रोचर्व पौर निर्वाचन रोचे पिपिल उपनिर्वाचन रही पूर्व किपर भाव बूथ स्तर ठार आरंभ कर मंडल और ता सहित सांगठनिक जिला गुड़िक दलर संगठन को दलर जो स्थिति रही आहरी मजबूत करेंगे कि बर्तमान राज्य में मुख्य विरोधी दल भाव बीजेपी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेकोसी प्रसंग हो बीजेपी प्रथमे सामना को आसूँ साधारण लोकों प्रसंग को सरकार पहुँचवा सहित दाबी उपस्थापन करे विषय में अधिक आलोचना करवा आम सहित सूरत विश्वविद्यालय उपस्थित अच्छा आज्ञा कौन कहे आज अति गुरुत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक बसुँ तापूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुत्वपूर्ण दायित्व देखते किपर भाव आगामी तीन मास पर्यंत जो कौन रोड दलर रोडमैप रे नहीं आलोचना हबार अच्छे तेज विस्तृत भाव आज प्रथम रु शेष जाए कौन आलोचना हम एवं क्यों क्यों प्रसंग को गुरुत्व दिया जाए देखो तो राज्य कार्यकारी कमिटी बैठक यहाँ हूँ गोटे आम रुटीन वर्क निर्धारित समय भितर सब मानने प्रति तीन मस आम राज्य कार्यकारिणी बैठक अनुषित होता है। गत दिन में जो करोना कटक कारण दीर्घ दिन काल बैठक हो पार ना भर्चुआल बैठक होता फिजिकाली एकाठी हाँटा यहाँ हूँ प्रथम बैठक एथपाई आम को समस्त भितर नुआ कि आसवा कार्यकारी कमिटी सदस्य मान भर उत्साह अच्छी एमर नुआकिरी जो मैंने दायित्व नहीं केन्द्रीय प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी जी विजयपाल सिंह तोमारजी दुईज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और प्रताप षडंगी आम राज्यर समस्त प्रमुख नेतृवृंद एगदेवे सारा राज्य आसवा कार्यकारी कमिटी सदस्य मैंने जोगदेवे गत दिन में हो कार्यर समीक्षा एवं आगामी दिन में कौ कौ कार्य हाथ को ना स्वाभाविक ये कथा आम समस्त बैठक में आलोचना होता है। ये बैठक में से भाई आलोचना हम एथेर विशेष नूतनता आपण माना कम से कम मुझे देखुना आम स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी गणतांत्रिक पद्धति सांगठनिक प्रक्रिया और राजनीतिक कार्य जारी रखि था से दृष्टि आम कार्यकारिणी बैठक हो समस्तर बहुत अस्वाभाविकता विशेषता किसी मुलक्षित होता कथा कहीपरि आमपाई विशेषता ये दीर्घ दिन पर बसुच्छी करोना कटक बस नुँ
राज्यर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को लेकिन आलोचना हम आम आशा करवा मुझे साधारण कार्यकारी कमिटी सदस्य से विषय में नेतृत्वृंद कौन कौन प्रसंग में आलोचना करेंगे कौ कौ कथा गुरुत्व देते से कथा को सेने नेतृत्वृंद स्थिर करेंगे आज बैठक से कथा आलोचना हम ए बार्ता को लेकर आम जीवु से भाई कथा बैठक पर ही जमापड़ एथर सन्देह ना आम कार्यकर्ता समस्त कार्यकर्ता काम है नेतृत्व जो कथा निष्पत्ति ने श्रृंखलित भाव में तल पर नहीं पहुँचवा आम दायित्व और से कथा आज जहाँ नेतृत्व आमको शुणे जो निष्पत्ति हम से निष्पत्ति आम कार्यकारी कर धन्यवाद आम सहित आलोचना करते एनवेता सूरत विश्वाल उपस्थित थे से जहाँ कहते जहाँ सब प्रसंग रही जी प्रभारी रोचान सरप्रभारी रोचे दुई केन्द्रमंत्री उपस्थित रोचान दल रुंग नेता सभापति उपसभापति साधारण संपादक मैंने रोचान जो प्रसंग विषय मुझ प्रथम कहती किपर भाव दलर संगठन को प्रथम कथा मजबूत करता सहित राज्य में जो सब जो परिस्थित जो सब समस्या देक राज्यवासी गति कर सीमा बिवाद कथा कहवा आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा कहवा नारी निर्यातना कथा कहवा ता सहित मंडी समस्या बा चाषी जो प्रमुख समस्या रही है राज्य में विगत दिन मानक आम देखी एवं चाषी अनेक चाषी हजार हजार संख्यार चाषी तक धान बिक्री हो पारना से ही सब प्रसंग को लेकिन आलोचना हबार अच्छी ता सहित जो निर्वाचन गुड़िक आगक अच्छी पौर निर्वाचन रही पिपिली उपनिर्वाचन रही पंचायत निर्वाचन रही से किपर भाव दलर संगठन को मजबूत कर जो केन्द्र सरकार जो सब योजना गुड़िक रही लोक कल्याणकारी योजना गुड़िक रही सेगुड़ी लोक पाखे ठीक भाव में पहुँचुचे ना ना ताकू किपर भाव से नहीं लोक मान सचेतन करनेक समय जो अभोग आए जे केन्द्रीय योजना गुड़ी राज्य सरकार हड़प करते नहीं लोक मूँ किपर भाव अवगत कर विषय में आलोचना हबार संभावना रही किपर भाव जो जो नेतृवृंद मैंने निष्पत्ति ने आगामी कार्यपंथा कौन रहा सूचना रही आगामी तीन मस कार्यपंथा स्थिर होमती जो राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी दिन आगु राजस्थान एक जो जो मीटिंग रे जहाँ सी सूचना देते दल को टार्गेट देते जे किपर भाव में आगामी जो दलर प्रतिष्ठा दिवस रही एप्रिल 6 तारीख सुधा समस्त मंडल को मजबूत कर सेप्टेम्बर 25 अर्थात दीनदयाल उपाध्याय जयंती सेतिकी सुधा समस्त बूथ गठन कार्य संपूर्ण करा सहित डिसेंबर 25 अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती से ही समय सुधा समस्त बूथ रे जो पन्ना प्रमुख निजुक्त बा चयन करी संपूर्ण करे निहाति आगामी वर्ष आगामी दिन आज बीजेपी कार्यकारिणी बैठक बेस गुरुत्व बहन करेक प्रसंग रही जो विषय में आलोचना जहाँ कहते आईन श्रृंखला परिस्थित नारी निर्यातना सीमा बिवाद मंडी समस्या भी अनेक प्रसंग रही जो संपर्क में आज कार्यकारिणी बैठक में आलोचना है या सहित आगक जेहेतु पिपिली उपनिर्वाचन रही पंचायत पौर निर्वाचन रही बाबद बैठक में आलोचना करा पारे बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त महापात्र आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे अधिक अपडेट देते पुणि खतिया बुहाले रोगी फेल मारुछि बाइक आंबुलांस योजना रास्ता खराब जो गांव को जाई पारिला नहीं आंबुलांस डेढ़ किलोमीटर रोगी को बोहिले आंबुलांस कर्मचारी सूचना अनुजाई बौद्ध जिला बिजामारी ग्रामर रोगी को स्ट्रेचर में प्राय डेढ़ किलोमीटर बोहिले 108 आंबुलांस कर्मचारी बिजामारी ग्रामर प्रभाकर कहर पारालीसीस रोग में गुरुतर होबारु 108 आंबुलांस नेबापाई आसीथिला रोगी घर प्राय डेढ़ किलोमीटर दूर और रास्ता जोगाजोग नथिबारु आंबुलांस जीवा संभवपर हो नथिला बड़ देउलपाई बड़ अर्थ संग्रह अभियान नहीं गजपति महाराज को धर्मेन्द्र प्रधान चिठी को समर्थन कले गजपति महाराज दिव्य सिंह देव चिठीर प्रत्युत्तर देले गजपति महाराज मूल्यवान परामर्श और सहयोग प्रतिश्रुति कृतज्ञता जनइले गजपति महाराज श्रीक्षेत्र विकास यथासंभव पदक्षेप नि चिठी में उल्लेख कर गजपति बड़ देउलपाई बड़ अर्थ संग्रह अभियान ने धर्मेन्द्र प्रधान लिखिता चिठीर प्रत्युत्तर गजपति महाराज मूल्यवान परामर्श और सहयोग प्रतिश्रुति कृतज्ञता जनइले गजपति महाराज श्रीक्षेत्र विकास यथासंभव पदक्षेप नि चिठी में उल्लेख कले गजपति विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी और आम पुरतन ऐतिह्यपाई यथासाध्य समस्त पदक्षेप ग्रहण कर चिठी उत्तर रखिंट गजपति
शुक्रवार पूरी श्रीमंदिर विकास गजपति महाराज दिव्य सिंह देव को चिठी लिखिथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विशाल समर्पण निधि संग्रह को स्वेच्छाकृत जन आंदोलन में परिणत करने प्रस्ताव देते केन्द्रमंत्री एने गजपति महाराजों सहयोग लोड़ते धर्मेन्द्र एपरी होगा द्वारा श्रमदान और अर्थदान मध्यम प्रत्येक हिंदू और 4.5 कोटी ओडिया सेवा करिवार सुजोग पाइबे प्रस्तावित अभियान केन्द्र और राज्य मध्य सेतु पलटिबो बोली से कहिछन्ते एही कार्यरे समन्वय रक्षा लागि गजपति महाराज को चिठीर अनुरोध करिथिले धर्मेन्द्र ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज झारसुगुड़ार बीजेडी विधायक तथा पावरफुल मंत्री नवकिशोर दास को नारे सांघातिक अभियोग नव राइट हैंड कहुवा विश्वनाथ त्रिपाठी सरकारी कर्मचारी को अश्लील भाषा रे गाली गुलोज करने धमकाई एने एक ऑडियो वायरल होबड़े अभियोगकारी जिलापा ए संपर्क में जन प्रशासन पूरा चुप हेलो नमस्कार ना वो सबे तो ना ते कंप्लेंट कर जों से पवित्र दागर रे रियल लोग कर जों सपुर रियल लोग जों ती हेंता राजेंद्र एजेंसी गुले तो नौकरी खबर के पड़वा पावर से देखबो बोले को तो ते दिन देखे देबी नहीं हम का कोली जे का कंप्लेंट का कोली न तो सस्पेंड कर मोर दुबो झारसुगुड़ा रे नव सरकार ऑडियो रे धमकाउतबा व्यक्ति हेउछंती नवंक खास विश्वनाथ जने सरकारी कर्मचारी को कहउछंती सस्पेंड करी देबे मंत्री को पाख लोक बोली हाथ तो मारी पारु नहांती केही अभिजोग आनिछंती ग्राम रोजगार सेवक संघ सभापति अभिजोग परे भी मंत्री को चापरे चुप प्रशासन ये हेउछंती विश्वनाथ त्रिपाठी झारसुगुड़ा रे समस्त जानिछंती विश्वनाथ हेउछंती स्थानीय बीजेडी विधायक तथा स्वास्थ्य मंत्री नव दास को राइट हैंड विभिन्न कार्यक्रम रे नवंक सहित विश्वनाथ सबु बेले मंत्री को पाखे पाखे से विश्वनाथ को नारे आसी सांघातिक अभियोग अभियोग आनी झारसुगुड़ा ग्राम रोजगार सेवक संघर सभापति राधेश्याम साहू विश्वनाथ तांको फोन रे अश्लील भाषा रे गाली गुलज करिबा सह धमकाइतिबा अभियोग करिछंती ए ऑडियो भी वायरल हेउछि हां जे काइंड ऑफ भूल कोली जे कहला कान जानि भूल नै करे ति पाटरे एगेंस्ट से जाउछ हटा तोर बोले का पाटी रे एगेंस्ट के बोले केते बडे जे किशोर मंडे से माल लोड दिलो ति केडे वाला लोग होइलो केते दमो छे जटका देखमी तते सिरपुर आनेमी हला होइ दउ जंत मु चाडी देबी जा नौकरी नौकरी इंडा मोर कर दी हला बताइ दउ जंत सिरपुर नौ छे तो केते दमो छे जटका मु चाडी देबी चाकरी किछो नै मोर मोर किछो फुट कर करानी है एने जिलापाल को लिखित अभियोग भी करिछंती राधेश्याम सरकारी कर्मचारी को धमक अश्लील भाषा रे गाली गुलज अभियोग परे भी चुप प्रशासन जो सरकारी कर्मचारी माने बिजु जनता दल रो काम करिवे नाही तांकू चाकरी रु सस्पेंड कर दिया दियो ए भलिया धमक दिया जाउची राज्य रे कोन ए भलिया शासन चलिवो झारसुगुड़ा जिल्ला रे ए भलिया शासन चलिवो जे जे माने बिजु जनता दल रो गुंडा मानकर कथा सुनिवे से माने चाकरी करिवे बाकी नले चाकरी करि पारिवे नाही ए भलिया धमक दिया जाइची मु जिल्ला प्रशासन को एवं राज्य सरकार को कहिबा पई चाहे याकु तुरंत एफआईआर भाबरे ग्रहण करा जाउ एवं तांकु गिरफ करा जाउ सरकारी कर्मचारी मानकु दलीय दलीय कर्मी भाबरे व्यवहार करिवारु व्याहत रहंतु एवं के जदि झारसुगुड़ा रे चाहुची जे गुंडा राज चलेबो बंदूक मुनरे सरकारी कर्मचारी मानकु अशालीन भाषा रे जो भलिया भाबरे ऑडियो जो वायरल हेछि जो भलिया भाबरे से गाली गुलज करचंती ए भलिया गाली गुलज करिकि जदि काहाकु दबेई देकि बिजु जनता दल कर्मी भाबरे सरकार आउ 5T निजर मोर सरकार मानते परिणत हो जाए जहाद्वारा ये कौन से प्रकार स्वच्छता रहूनी कौन सी जिनस मान्यवर मंत्री झारसुगुड़ा जिले में जी प्रादुर्भाव करना जो चेला चामुंडा मान अच्छा निजे जन जन मंत्री भाया काम करुछंती जोठी की सरकार निंदित होउछंती स्वास्थ्य मंत्री को बड़े बलिया नुहे की विश्वनाथ सरकारी कर्मचारी को काही की देउछंती धमक काही की चुप जिला प्रशासन नव दासों को लोक बोली आईन थारु उपरे की एने झारसुगुड़ा रे भी प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि मु भी सुनली एटा तो गुटे दुखर विषय परिताप रा विषय जे बोदे सरकारी चाकरिया जन माने छिसन से माने कोनसी राजनीतिक दल रो कार्यकर्ता नुहन किंतु आज दिन सरकारी दल
समस्त ऑफिसर मानकु एंता व्यवहार करा जाउछे जे बो देव दलीय कार्यकर्ता हिसाब रे इटा निया जाउछे इटा उचित नि हबार आमर मंत्री गोटे खास लोक ये प्रकार भाषा रे गोटे सरकारी कर्मचारी के गाली देवाटा इटा तो निंदनीय है। प्रथम तो आम जो ऑडियो भाइरल जहाँ आम शुणीचु ताको आम प्रथम निंदा करूचु एवं मंत्री अनुगत जहाँ जपर भाव सरकारी कर्मचारी मान प्रति जपर भाव में लगाम घिचिक रखुचान जपर भाव दुर्व्यवहार करा अत्यंत निंदनीय एथिरे निश्चित भाव तदन उचित मान उच्चस्तरीय तदंत होगा उचित एवं जे भी दोषी अच्छी ता विरुद्ध कड़ा कार्यानुषान ग्रहण करवा उचित। ये हेउची झारसुगुड़ा रे नव सरकार रो उदाहरण। झारसुगुड़ा जिले रे स्वास्थ्य मंत्री नवदास सरकार चली एभली सांघातिक अभियोग हिरमा पंचायत रे गत 3 तारीख नवदास खास अनुगत विश्वनाथ त्रिपाठी हिरमा पंचायत जीआरएस को अश्लील भाषा रे गाली गुलज करूथवा बेले फोन रे धमक देथवार गुरुतर अभियोग होई छी। झारसुगुड़ा जिला हिरमा पंचायत रु सुरेंद्र बारिक अर्गस न्यूज। तबे आज होची राष्ट्रीय जन औषधि दिवस ए अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी सदासलक वर्चुअल माध्यम रे प्रसारण देखुचंती आपण सदासलक चित्र मध्ये देखुचंती स्क्रीन रे मरीजों को दवा पहुंचाइए। हमारे साथ एक पूरी अभी सर 250 लोगों की टीम है और एक बात जब हम दवा पहुंचाने जाते थे तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि आप हमारे लिए मेडिसिन नहीं ए मोदी जी की दुकान की आप मेडिसिन ला रहे हो और सर वो लोग आशीर्वाद देते थे कि मोदी जी लंबी उम्र तक जिए और ऐसे योजना बना रहे और काम करते रहे और सर धीरे धीरे हम ये हमारा अभियान पूरे अहमदाबाद में फैल गया। और एक बात कि हम एक बुजुर्ग ने तो हमें ऐसा बोला सर मैं गया तो आप हनुमान जी के सेवक हमारे लिए संजीवनी लेके आ रहे हो तो मैंने बोला सर कि आप ऐसा क्यों मैं बता रहे हो तब बोला कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे और उनको जीवनदान मिला था तो ऐसे ही हम जैसे कई मरीज है जिनके लिए मोदी जी एक दुकान से संजीवनी दे रहे और हम जी रहे हैं तो सर बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे थे और आपके लिए दुआ रहे हम लोगों को भी सब बड़ी लोग के आशीर्वाद मिल रहे हैं। और सर लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश इतनी जल्दी एक टीका का आविष्कार कर देगा। सर एक नहीं दो नहीं तीन तीन कंपनियों ने हमारे वहाँ टीका का आविष्कार कर दिया और सर इतनी बड़ी जनसंख्या में आपके आगेवाणी में अभी जो टीकाकरण हो रहा है हम तीसरे स्टेज पर तो पहुंच गए कई सारे बुजुर्ग को अभी टीकाकरण हो रहा है तो सर और एक बात कि हमारे वहाँ तो टीकाकरण हो रहा है सर आपने कई ऐसे देश है जहाँ पर टीका की उपलब्धि नहीं है वहां पर भी आप पहुंचा रहे हैं तो सर इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ सर। राजू जी सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए और घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं। आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं और ये आपने करके दिखाया है
और देश में ऐसे कई नौजवान हैं वो करते रहते हैं और वही हमारे देश की बड़ी ताकत है। और इसलिए मैं आपको बताई एक मैं छोटा काम बताऊंगा अब आपको, क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं तो मन करता है कि आपको एक काम बता दूं। देखिए जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है जहां टीका लगता है आप वहां पर अपने साथियों की ड्यूटी लगाइए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीन हो जाए, उनका जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, आप देखिए आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। हाँ सही तो सही करेंगे आप लोग। हाँ। सही में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वाध्यक्ष कर देंगे हम सर। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू राजू भाई, आभार। अब सर हम दीव में मारुति नगर में श्री इरशाद अहमद रफीक भाई को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसे बात करें। इरशाद नमस्ते। नमस्ते साहब जी। हाँ रफीक जी बताइए कैसे हो साहब। मैं इरशाद रफीक भाई कुरैशी बोल रहा हूँ, दीव संचालक हूँ मोदी मेडिकल स्टोर। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस के मुझे 3 महीने ही हुए हैं ये मोदी मेडिकल स्टार्ट किए हुए। तो मैं पहले एक छोटे से मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट की जॉब करता था और मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये ओनली। और पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, लेकिन मेडिकल स्टोर वो भी हो कि जिसमें सेवा भी कर सकूं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बढ़िया कोई ये मौका नहीं था कि जिसमें सेवा भी हो और कमाई भी हो। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है जी आपके आशीर्वाद से। अभी कितने लोग जन औषधि का फायदा उठाते हैं? अभी 1 महीने में मैं आपको बताऊं तो 1400 से 1500 आदमी फायदा उठा रहे हैं और ये यहाँ पे मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। लेकिन और जो दवाई की दुकान वाले हैं वो अब आपको भी गुस्सा करते होंगे कि भाई हम तो दवाई पहले इतने बेचते हैं, तुम कहाँ से मोदी को ले आए, हमारा तुम इतनी सस्ती दवाई देते हो तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। तो इसमें तो सर ये सेवा है, उनको सबको साथ देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास है ये। आपण देखुले राष्ट्रीय जन औषधि दिवस उपलक्षे प्रधानमंत्री भर्चुआल माध्यम रे किभली भाबे हिताधिकारी सहित आलोचना करुथिले एवं लोके किभली भाबे ए जो योजना रहिछि अर्थात जन औषधि योजना एथिरे लोके केते लाभवान होउछन्ति से संपर्क रे मध्य आलोचना करुथिले। तबे समय सरिछि, बुलेटिन को एड सारिबा। नमस्कार।